का उदाहरण देखते हैं जिसमें 3x प्लस 4y माइनस 5b इक्वल टू का वर्ग है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a का मान क्या हो गया, a का मान है 3x, मीन्स a की जगह पर 3x है, b की जगह पर क्या है हमें 4y है, और c की जगह पे अगर माइनस में कोई अंक होगा तो माइनस के साथ बी के जगह पे ए के जगह पे कहीं भी माइनस आपको दिखाई दिया, जैसे पहले दो उदाहरण में दो सभी जगहों पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, इसमें दो जगहों पे माइनस, मतलब वो बी का मान सी का मान जो भी होगा उसे माइनस में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम सी का माइनस मान क्या लिख लेंगे, माइनस 5p। उसके बाद क्या करना है आपको, फार्मूला लिखना है। फार्मूला याद हो चुका होगा, ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग, तो क्या है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और इसी के आधार पर ये जो दिया है उदाहरण उसे लिखना है, तो 3x प्लस 4y माइनस 5b कोष्टक का। अब दो चीजें रही तो कोष्टक देना जरूरी, आपको पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्टक देने के आदर डाल देते, जैसे a का वर्ग a की जगह पर है 3x, तो 3x का वर्ग, b b के जगह पर है 4y, तो 4y का वर्ग, फिर प्लस ये प्लस, और ये c का मान माइनस में, तो हम लोग माइनस में ही लिखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि a b और c अगर पे ही माइनस होगा तो उसका मान माइनस में लिखना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर से माइनस में लिख लेंगे। उसके आगे क्या करना है हमें, दो गुणे ए, तो ए के बदले है 3x, बी के जगह पर है 4y प्लस 2bc। अब ये हो गया ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग 2ab, अब 2bc करना है, तो दो गुणे बी मतलब 4y गुणे सी वो है माइनस 5p, और फिर और एक बचा है दो गुणे ए सी, तो दो गुणे ए 3x गुणे सी माइनस 5p। उदाहरण लिखना जो है आपकी नोटबुक पे, अगर आप लिखोगे बड़ी लॉन्ग नोटबुक होगी चौड़ी होगी तो उदाहरण एक लाइन में बैठेगा, नहीं तो आप एक के नीचे एक लिखोगे तो थोड़े से कन्फ्यूज होगे, तो ज्यादा ज्यादा कोशिश करने की कि एक लाइन में कैसे बैठ जाए। तो फिर से चेक करके देखो, ए का वर्ग ये बी का वर्ग ये सी का वर्ग ये दो ए बी है दो ए बी दो ए बी, फिर आगे दो बी सी दो गुड़े बी गुड़े सी हो गया, फिर प्लस दो गुड़े सी ए, सभी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ वर्ग है उनको वर्ग करना है, जहाँ गुड़ा है वहां पे गुड़ा कर देना है, तो ये 9 3 का वर्ग और x का वर्ग, ये 4 का वर्ग 16 y का। अब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, तो माइनस 5 का वर्ग हो गया 25 और ये 20 का वर्ग, इनका गुणा कीजिए 2 3 6 6 4 24 x y। अब गुणा करते समय नियम पता है, प्लस और माइनस रहा तो माइनस होता है, तो ये 2 प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, 2 और 4 का गुणा 8 8 6 इतना 40, और ये 4 अंक है y p। फिर आगे भी ये प्लस प्लस और माइनस है तो माइनस, और 6 6 कितना 30 और x p, ये उत्तर पूरा हो गया। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ लिखने का काम, या लंबी लाइन बन जाती है तो थोड़े कुछ बच्चे लोग इसमें क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप अगर एक के नीचे एक लाइन में भी लिख लेते हैं तो भी ध्यान रखिए तो क्या क्या लिख लिए क्या बाकी रह गया है, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करना। अब ये चौथे उदाहरण में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये चौथा जो उदाहरण है वो 7m माइनस 3m माइनस 4 के कोष्टक का वर्ग है, तो यहाँ पे भी ए की जगह पे हमें दिख रहा है 7m, बी की जगह पे माइनस 3m और सी की जगह पे माइनस 4k, माइनस में इससे माइनस के साथ ही लिखना है तभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप फिर प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन रूल को अगर भूल गए होंगे तो आपको वो रूल भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस
सी का वर्ग प्लस दो गुणे ए बी प्लस दो गुणे बी सी प्लस दो गुणे ए सी, इस तरह से ये सूत्र हुआ। अब किसमें मान रखना हमें, सात एम माइनस तीन एन माइनस चार के का वर्ग बराबर, देखिए ये हो गया ए, ये बी और ये सी, उसके बाद आपको सूत्र में मान रखना है। तो अब ये ए मीन्स सात एम का प्लस बी माइनस ए, कोष्टक में लिख लेंगे हम लोग माइनस तीन एम का प्लस सी, सी भी माइनस में है तो वो भी हमें कोष्टक में माइनस चार के का, फिर प्लस दो गुणे ए, ए सात एम और बी माइनस थ्री एम, तो सात एम गुणे माइनस तीन एम, ये क्या हुआ दो ए बी हुआ। अब क्या बचा दो बी सी, दो बी सी मतलब दोनों ही माइनस में, बी का भी मान और सी का भी मान, तो इधर दो गुणे माइनस तीन एन गुणे माइनस चार के, फिर बचा है दो ए सी, दो गुणे ए, देखिए अभी यहाँ पे मेरा पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया, आपकी नोटबुक में कैसे आएगा, उससे भी और बड़ी बात होगी कि जब क्वेश्चन नंबर दो आप सॉल्व करोगे तो उसमें इसी टाइप के दो एग्जाम्पल दिए हुए, तो पहले का घर इतना निकालना है, फिर प्लस होगा तो प्लस माइनस करके और निकालना है, तो दूसरे उदाहरण में आपको और प्रॉब्लम होगी, तो आप पहले क्या करो इस टाइप के उदाहरण की प्रैक्टिस करो, डबल करने से अच्छा पहले हम इसी उदाहरण की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद आप उसको ट्राई करना है। तो आगे दो ए सी बचा हुआ है, तो दो ए और सी, ये दो गुणे ए सात एम और सी क्या है माइनस चार ए, पूरा बोर्ड का हमने उपयोग किया है यहाँ पे। उसके बाद ये सात का वर्ग पुस्तक जो दिए वर्ग और गुणा का नियम प्लस माइनस का नियम लगाना है, तो ये सात का वर्ग और एम का वर्ग अलग से प्लस किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, तो ये हो गया नौ एन का वर्ग, फिर इधर सोलह के का वर्ग हो गया, अब प्लस प्लस माइनस तो गुणा का नियम प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस इनका गुणा कर लीजिए, देखिए ये कितना हो गया चौदह चौदह या बयालीस या फिर इक्कीस इक्कीस बयालीस, तो ये हो गया फोर्टी टू या फिर यहाँ पे दो माइनस से दो माइनस दिखाई दिए तो हम लोग गुणा में क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया प्लस, अब ये छ चौबीस और ये यन के हो गया, फिर यहाँ पे एक ही अब प्लस प्लस और एक माइनस है, तो लास्ट में क्या होगा ये माइनस और ये हो गया दो सौ चौदह चौदह चौक छप्पन यन के, तो इस तरह से इसका उत्तर आया है। आप इन उदाहरणों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो इस तरह से हमारा जो पांचवा प्रकरण विस्तार सूत्र है वो खत्म हो चुका है, जो हम पूरे सूत्रों के साथ में आपके एक आगे टेस्ट भी लेंगे जिसके लिए आपको ये सब प्रिपेयर करके रखना है।